नमस्कार मित्रों, आपका हमारे मोटिवेशनल हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ कौलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपा करें और मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले हैं, देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहे, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। मित्रों, तब राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे प्रश्न ये है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है? प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? मैं जानना चाहती हूँ। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये देवी, आपने जो प्रश्न किए उनके उत्तर थोड़े विचित्र रहे, किंतु मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुने। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में आप यह कथा ध्यान से सुने जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये देवी राधा वैदिक काल में हजारों आर्ष परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ अर्जियों तथा मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था, तो वही कुछ के मुनियों के तेज से दातियों का जन्म भी हुआ था। हे राधा, ऐसे ही एक आरसी सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती है, हे प्रभु, तो कौन थे वे ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक ऋषिकेश के शराफ से गर्भवती हो गई थी? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तर कांड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त इस कहानी को सुनाते हैं। हे राधा, यह प्राचीन काल की बात है जब परम पिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कृषि पुलिस ने सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करता देखने ऋषि कन्या विचलित होने लगी, और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलसिया जी ने क्रोध में आकर वह उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी राधा ऋषि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियों डरकर वहां से भाग गई, लेकिन ऋषि बिंदु की कन्या को ऋषि पुलसे के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेलियों को ढूंढते हुए अनजान वर्ष ऋषि पुलसे जी के सामने जा पहुंची। ऋषि पुल स्थित उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। ऋषि पुलस के जी ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि ऋण बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ, और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया, जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलसे के पास गए और कहा, है मुनीश्वर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके शाप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्वगुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके शाप की अभागी है, तो यह सदा आपकी ही सेवा भी करेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये देवी राधा कृषि ऋण बिंदु जी की आदरपूर्वक विनती और निष्पाप बिंदुसरा को मिले शाप से ऋषि पुलिस थे भी बहुत दुखी हुए, और उन्होंने ऋषि ऋण बिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री बिंदुसरा को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलिस थेजी ने उसे कन्या को स्वीकार कर लिया
मित्रों, जिसके बाद वह कन्या के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। वी सुंदरी बिन दूसरा की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि पुलिस थेजी ने एक दिन उनसे कहा की है, देवी मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्व के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, ये देवी राधा कुछ समय बाद उसे ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि ऋषि पुल से जी ने आशीर्वाद दिया था कि आशिक कन्या का पुत्र विश्व के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी राधा विश्वा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलिस थेजी के समान बड़े तपस्वी हुए। ऋषि विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारत बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी राधा आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर बलवान गुणवान एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये देवी राधा इसी श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो देवी मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। सखी राधा, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है, तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु ये देवी राधा एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था, इसलिए नारी को यह शाप रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। नॉइज़ धन्यवाद। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉइज़।